नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया एक नाटक था। इस पुस्तक में उन घटनाओं का वर्णन है जिसमें किसानों ने ब्रिटिश सरकार के शोषण की नीति के खिलाफ अपने खेतों में नील की खेती करने से मना कर दिया था। इस पुस्तक ने गिरीश चंद्र घोष को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने 1872 ईस्वी में कलकत्ता में नेशनल थिएटर की स्थापना की, जहां पहले नाटक के रूप में नील दर्पण की प्रस्तुति की गई। इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार का इतनी सजीवता से वर्णन किया गया है कि यह लोगों के मन को झकझोर कर रख देता। माइकल मधुसूदन दत्त ने काली प्रसन्ना सिंह और गिरीश चंद्र के प्रोत्साहन पर इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और जेम्स लॉन्ग नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को दे दिया, जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। इस पुस्तक ने ब्रिटेन में खलबली मचा दी। इस पुस्तक में बताए गए किसानों के ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तो अंग्रेजों की भी रूह कांप गई। ब्रिटेन में जेम्स लॉन्ग पर मुकदमा तक चलाया गया। जगह जगह नील दर्पण नाटक का मंचन किया गया जिससे आम जनता को अंग्रेजों के अत्याचारों से अवगत कराया जा सके। इसी पुस्तक के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सन 1860 में नील आयोग की स्थापना की। इस कमीशन ने किसानों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी और अंत में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेशन बिल पारित किया जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस पुस्तक ने किसानों के उद्धार के लिए काम किया। इस पुस्तक में बंगाल में बोली जाने वाली भाषा को इतना सरल एवं सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आम जनता आसानी से पढ़कर इसे समझ सकती है। नील दर्पण ने बंगाली नाटक साहित्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया।